आज भाइयों ने जो गाने गाए थे उसमें एक शब्द या एक नाम बार बार आया है और वो है पवित्र आत्मा। ये प्रभु की इच्छा है क्योंकि आज मैं उसी विषय के ऊपर बोलने के लिए तैयार होकर आया था। दरअसल पिछले 10-12 दिन मुझे बिस्तर पर बिताना पड़ा, तबीयत इतनी ख़राब हो गई और जब भी मैं बिस्तर पर था तब बार बार मैं यही बात सोचता जा रहा था कि किस विषय पर अगला संदेश दिया जाए। तब बार बार मेरे मन में ये बात आई कि पवित्र आत्मा के बारे में संदेश देने का समय आ गया है और आज प्रभु ने वही माहौल हमारे लिए तैयार किया है। पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के 12वें पद में हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 12:12, जिनके पास है वे खोल लें, जिनके पास नहीं है वे जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ता हूँ इसको सुन लें। पहला कुरिन्थियों 12:12 में लिखा हुआ है, जिस प्रकार देह एक है और उसके अंग बहुत हैं, उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह है। ये एकदम से मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया, हो सकता है एकदम से समझ में ना आए, इसीलिए प्रभु के वचन क्यों प्रभु के वचन से एक हिस्सा लेकर पढ़कर उसकी व्याख्या की जाती है, इसलिए कि प्रभु का वचन हमको ये बात बार बार याद दिलाता है कि प्रभु का वचन हम तभी समझ पाते हैं जब उसकी व्याख्या की जाती है। तो आज इस विषय की व्याख्या देखने से पहले एक बात मैं परिचय के रूप में बताना चाहता हूँ। आज ज़्यादा हम विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभु ने मदद की तो आने वाले दिनों में हम उस विषय के विस्तार में भी जाएंगे। जब अपन यहाँ प्रभु के वचन से चर्चा करते हैं तब बार बार कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे प्रभु, ईश्वर, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, इन शब्दों का क्या मतलब है। परमेश्वर शब्द का उपयोग मैं कम करता हूँ, यह आपने नोट किया होगा, मैं अक्सर प्रभु शब्द का उपयोग करता हूँ, उसके पीछे भी एक ऐतिहासिक कारण है। हिंदी भाषा में सामान्यतया परमेश्वर शब्द का उपयोग नहीं होता है, ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने हिंदी बाइबल के अनुवाद के समय यह शब्द बाइबल में इंट्रोड्यूस किया और इस कारण सब लोग परमेश्वर परमेश्वर बोलते हैं, और यदि मलयाली हो जो हिंदी बोल रहा है तो वो उसको परमेश्वर कर देता है, और जब 10-20 हिंदी बोलने वालों के सामने जब हम बैठते हैं और जब वो कहते हैं कि परमेश्वर ने आज आने की मदद की, तो हिंदी भाषी को समझ में नहीं आता कि ये इस शब्द का मतलब क्या है। इसलिए मैं जनरली परमेश्वर शब्द उसको अवॉइड करता हूँ, उसके बदले प्रभु शब्द का उपयोग करता हूँ। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उस शब्द में गलती कुछ नहीं है, लेकिन हिंदी में, आम हिंदी में उपयोग में लाए जाने वाला शब्द नहीं है। इसको प्रभु के वचन में अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था, और अंग्रेजों के द्वारा इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे शब्दों को के पीछे उनके अपने तर्क थे, लेकिन जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी है वो तो ये नहीं जानता है कि हिंदी में किस शब्द का प्रयोग करना है, इसलिए कुछ शब्दों को हटाकर अपनी मातृभाषा के हिसाब से शब्दों के प्रयोग का समय आ गया है। तो जब हम प्रभु के बारे में चर्चा करते हैं तो पवित्र आत्मा शब्द का उपयोग करते हैं, प्रभु यीशु शब्द का उपयोग करते हैं, पिता शब्द का उपयोग भी कई बार करते हैं, और कई बार प्रार्थना करते समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों शब्दों का उपयोग करते हैं। कई बार जब अनुग्रह दिया जाता है तब अनुग्रह में कहा जाता है पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ हो। तो ये तीनों शब्द क्या है, क्या ये अलग अलग ईश्वर हैं,
ईश्वर एक है, क्या प्रभु एक है या अलग है, अनेक है, इन चीज़ों के विस्तार में हम बाद में जाएंगे। लेकिन आज जस्ट इतना एक परिचय देना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन को जब हम देखते हैं तब उसमें हम तीन व्यक्तियों को देखते हैं। एक प्रभु यीशु, जो हमारे लिए एकदम परिचित व्यक्ति है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तब हम प्रभु यीशु की चर्चा करते हैं। दूसरा शब्द या दूसरा नाम है पिता, ये प्रभु का ही एक और नाम है, पवित्र आत्मा प्रभु का एक और नाम है। तो आप पूछेंगे ये तीनों एक ही व्यक्ति के तीन अलग अलग नाम है कि जी नहीं, तीन व्यक्ति हैं। तो आप कहेंगे कि तीन व्यक्ति है, आप बार बार प्रभु शब्द का उपयोग करते हैं, इसका क्या मतलब है? प्रभु का वचन याद बार बार याद दिलाता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ही ईश्वर है। तीनों जो शब्द आप हमेशा आप में से कई लोग यूज़ करते हैं, तीनों परमेश्वर है लेकिन ईश्वर एक ही है। ये कैसे हो सकता है? ये डिटेल हम बाद में देखेंगे जब हम एक एक करके प्रभु के वचन से क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी ही हम इस विषय का अध्ययन करेंगे। विषय को त्रि एकत्व कहा जाता है, जब तीन हो और तीनों एक ही हो उसको त्रि एक या त्रि एकत्व कहा जाता है। प्रभु ने मदद की तो आने वाले दिनों में हम त्रि एकत्व का अध्ययन करेंगे, तब इस बात को देखेंगे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन व्यक्ति हैं लेकिन एक ईश्वर है, एक प्रभु है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तीन व्यक्ति होते हुए भी एक ईश्वर एक प्रभु है, जिसे त्रि एकत्व कहा जाता है। वो डिटेल बाद में हम देखेंगे। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ प्रभु के वचन को शुरू से लेकर आखिर तक जब हम पढ़ते हैं तब उसमें हम ये बात देखते हैं कि पिता सर्वशक्तिमानी है, पिता ने कुछ विशेष जिम्मेदारियाँ ली है। पुत्र सर्वशक्तिमान है, पुत्र ने कुछ और जिम्मेदारियाँ ली हैं। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, पवित्र आत्मा ने कुछ और जिम्मेदारियाँ ली है। लेकिन तीन व्यक्ति हैं लेकिन तीन ईश्वर नहीं हैं, ईश्वर एक ही है। ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। अलग अलग जिम्मेदारियों के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तब बाइबल के आरंभ में लिखा हुआ है, आदि में प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और प्रभु का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो यहाँ हम पवित्र आत्मा के बारे में भी देखते हैं। उस पवित्र आत्मा से संबंधित एक विषय आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो है, जिस प्रकार देह एक है उसके अंग बहुत है और उस देह के अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक देह है, ये किसके बारे में चर्चा हो रही है? किसके बारे में चर्चा हो रही है? प्रभु यीशु के बच्चों के बारे में। तो प्रभु यीशु के बच्चों के बारे में यहाँ प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है? प्रभु का वचन हमको ये बताना चाहता है, वचन के द्वारा हमको आज ये ज्ञान मिल रहा है, यह वचन हमको बता रहा है कि देखो तुम सब अलग अलग लोग हो, भाई हो बहन हो और 25 30 या 40 लोग हो, लेकिन तुम में से जितने लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है वे सब के सब एक देह है। आप कहेंगे कि शास्त्री सर ऐसा कैसे हो सकता है? यदि यहाँ बैठे इस सभा में जो 30-40 लोग बैठे हुए हैं इनमें से यदि 10 ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है तो वे तो 10 शरीरों के साथ बैठे हुए हैं, वो एक शरीर कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? और प्रभु के वचन के कहने का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले एक स्टेटमेंट जो हम बार बार सुनते हैं, बहुत बार सुना है, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो स्टेटमेंट है, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, गुजरात हो या बंगाल, भारत एक है, सारे भारतीय एक हैं। सुना है आपने? एडवर्टाइजमेंट आपने नहीं सुना कि ये तो टीवी पे बार बार आता है कि चाहे कितना विशाल देश क्यों ना हो, चाहे 130 करोड़ अलग अलग लोग हों
लेकिन हम भारत एक देश है, हम सब भारतीय एक हैं। इसी कारण तो आज इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, ये लोग मेरा अनुमान है कि कम से कम 4 या 5 अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। 4 या 5 अलग अलग भाषाओं के बोलने के बावजूद हम सब आज एक साथ एक मन होकर यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? उसका पहला कारण यह है कि हम सब भारतीय हैं, इसलिए एकत्रित हुए। दूसरा कारण यह है कि हम सब प्रभु यीशु के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए इस सत्संग में आए हैं। तो इस बात को हम ऑलरेडी जानते हैं वैचारिक स्तर पर कि लोगों को एक कहा जा सकता है यदि वे अनेक हों तो भी। फुटबॉल की टीम के बारे में अपन जानते हैं कि वो टीम जब एक साथ जबरदस्त खेलती है तब हम कहते हैं कि आ हा हा, आज तो टीम के सारे मेंबर एक जैसे खेले। इसी तरह से प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है वे सब एक शरीर हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब आगे प्रभु के वचन में दिया हुआ है, 13वें पद में हम देखते हैं, 13वें पद में लिखा है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी क्या दास हो क्या स्वतंत्र, आज की भाषा में बोला जाए तो चाहे कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का हो, गुजरात का हो या कलकत्ता का हो या मध्य प्रदेश का हो, हम में से जितने लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है हम सबको प्रभु ने एक साथ जोड़ दिया है। किस तरह से जोड़ दिया है ये आगे लिखा हुआ है कि एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसका क्या मतलब है? यहाँ आत्मा शब्द का क्या मतलब है? मैं आज वचन के आरंभ में मैंने जो पवित्र आत्मा शब्द का उपयोग किया था, हम में से जितने लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उन सबको लेकर जिस क्षण हमने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था उस क्षण आत्मिक तौर पर प्रभु ने हम सबको लेकर प्रभु यीशु के शरीर के अंग बना दिया। और अब चूंकि हम प्रभु यीशु के शरीर के अंग हैं इस कारण हम सब एक ही देह के अंग हैं, एक ही देह के अवयव हैं। इस तरह का अनुभव जब किसी और व्यक्ति के साथ आपका मन जुड़ जाता है, आपको अनुभव हुआ है क्या? मेरे जीवन में इस तरह के कई अनुभव हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मेरे एक साथी बहुत ही अच्छे परिवार से था, उसने जैसे ही मुझे देखा उसने कहा कि तेरा स्वभाव अलग है और तू मेरा दोस्त बनेगा क्या? मैंने कहा कि तुम्हारा स्वभाव भी अलग है और ठीक है अपन दोस्ती कर लेते हैं। तो उसने कहा पक्की दोस्ती कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है पक्की दोस्ती कर लेते हैं। आपको ताज्जुब होगा, हमारी मुलाकात लगभग 10 साल की उम्र में हुई थी, आज मैं 65 साल का हो गया हूँ, आज भी उस दोस्त से मेरे संबंध वैसे ही चल रहे हैं। जब हम एक साथ उसके घर जाते थे या मेरे घर जाते थे हमेशा हम एक प्लेट में खाना खाते थे। यहाँ तक कि हमारी शादी हुई उसके बाद मैं अक्सर उसके घर जाता था अपनी वाइफ के साथ, तो उसकी वाइफ अलग बर्तन में खाती है, मेरी वाइफ अलग बर्तन में खाती है, लेकिन मेरे लिए और उसके लिए एक ही बर्तन रखा जाता था, एक ही थाली रखी जाती थी, थाली में सब सब्जियां होती थी, एक ही चपाती को तोड़कर हम खाते थे। और हमारी आखिरी मुलाकात जो हुई तब भी, अब हम दोनों बाप हो गए हैं बल्कि हम लोग दादा और नाना हो गए हैं मैं और मेरा दोस्त, इसके बावजूद आज भी जब हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तब बाकी सब लोग टेबल पर बैठकर अपनी अपनी थाली में खाएं लेकिन हम दोनों एक ही थाली में खाते हैं। क्या ये कैसा अनुभव है? बचपन में जब हम एक दूसरे से मिले तब हमारे मन एक दूसरे से जुट गए और इसके कारण आज भी जब हम एक दूसरे से मिलते हैं
तो वो जो मानसिक तौर पर एकत्व का अनुभव है वो आज भी है। ये सिर्फ एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। जिस क्षण हमने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उस क्षण पवित्र आत्मा ने मुझे और आपको लेकर प्रभु यीशु के शरीर से जोड़ दिया। उस कारण जिन्होंने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, वे सब एक देह हैं, एक शरीर है। ये अनुभव प्रभु यीशु के बच्चों के जीवन में होना चाहिए। ये इस अनुभव के बारे में मैं बता दूं, कई बार जब मैं यहाँ पर आप लोगों को बुलाता हूँ, संबोधन करता हूँ, तो अक्सर मैं उसके साथ साथ जाने अनजाने में भाई शब्द लगाता हूँ। मैं आज शाम को गाने के बारे में पूछ रहा था, मैंने कहा भाई संतोष आपके पास कुछ है क्या? प्राइवेट लाइफ में हम बात करते हैं तब छोटे बड़े ब्रदर के समान मैं सिर्फ नाम का उपयोग करता हूँ, लेकिन पब्लिक में जब हम एक साथ बैठे हुए हैं तब मैं कभी भी उनको डायरेक्ट नाम नहीं लेता, भाई संतोष आपके पास आज कोई गाना है क्या? उन लोगों से मैंने कहा भाई लोग आपके पास कोई, क्यों ये भाई शब्द कहाँ से आया? हम लोग एक दूसरे के सगे संबंधी तो नहीं है, खून का कोई रिश्ता नहीं है, तो भाई संतोष मेरे ब्रदर कैसे हो गए, अन्य भाई लोग कैसे मेरे भाई हो गए, ये बहनें मेरी सिस्टर्स कैसे हो गई? ऐसे हो गई कि जिस क्षण मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उस क्षण प्रभु ने मुझे लेकर, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रभु के शरीर से जोड़ दिया। उसी तरह से आप में से जिन्होंने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उस हर व्यक्ति को लेकर पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु के शरीर के साथ जोड़ दिया है। और इस कारण जिन्होंने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, वे सब एक शरीर है। और यदि एक शरीर है तो उस एक शरीर का अनुभव होना चाहिए, और वो अनुभव हमारी बोली से, हमारी वाणी से और हमारे व्यवहार से प्रकट होना चाहिए। आप में से कई बार लोग आकर मुझसे कहते हैं शास्त्री सर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों बोलते हैं? आपको लगता है कि आपका मैं बड़ा भाई हूँ और बड़े भाई से अपनी ज़रूरतें बोली जा सकती हैं। मैं कई बार आप लोगों से पूछता हूँ क्यों भैया कैसे हो, क्यों पूछता हूँ? इसलिए कि मुझे लगता है ये मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो मुझे मालूम होनी चाहिए, उसके ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में पूछ पाछ के उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह है वो एकत्व का अनुभव। लेकिन ये एकत्व का अनुभव कहाँ से चालू हुआ? प्रभु का वचन याद दिलाता है कि ये एकत्व का अनुभव तब आरंभ हुआ जब पवित्र आत्मा ने मुझे और आपको लेकर प्रभु यीशु के शरीर से जोड़ दिया। आज सारी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है और जिनको प्रभु ने उस शरीर के साथ जोड़ दिया है, और इस कारण वे सब प्रभु यीशु में मेरे भाई और मेरी बहन हैं। मेरा संपर्क बहुत ही व्यापक है, ये आप जानते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वगैरह आ गए हैं। दुनिया के कम 140 देश के लोगों से मेरी दोस्ती है। ये 140 देश के लोगों से क्यों दोस्ती है? दोस्ती मेरा कोई शौक है कि जी नहीं। जब युगांडा से कोई व्यक्ति आके कहता है कि सर मैं प्रभु यीशु का संतान, प्रभु यीशु की संतान हूँ, प्रभु यीशु का अनुयायी हूँ, तो मुझे एकदम से खुशी होती, आह देखो उस शरीर का एक और अंग, तो उससे मेरी दोस्ती हो जाती है, उससे मेरी मित्रता हो जाती है, उससे आपसी ताल्लुकात हो जाते हैं। मैं ये बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कल को आप यह जगह छोड़कर किसी और जगह चले जाएं, वहाँ जब प्रभु यीशु के बच्चों से मुलाकात होगी तब वही भाईचारे का, वही भाई या बहन का अनुभव आपको होगा। क्यों होगा? उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि पवित्र आत्मा ने मुझे और आपको प्रभु यीशु के शरीर के अंग बना दिया है। इस प्रक्रिया को प्रभु के वचन में एक शब्द से बताया गया है, वो है बपतिस्मा। बपतिस्मा आज इस चर्च में जो बपतिस्मा हुआ था, आप में से कई लोगों ने देखा किस तरह से एक व्यक्ति को लेकर उसको पानी में डुबा दिया जाता है, और जब वो पानी में डूब जाता है तो सिर्फ पानी बचता है, वो पानी के नीचे होता है, चाहे एक क्षण भर के लिए हो, लेकिन क्षण भर के लिए
दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक हमारे साथ रह जाता है। वो व्यक्ति पानी के साथ एकजुट हो जाता है। उसी तरह से ऐसी कोई भी प्रक्रिया जहां पर दो को लेकर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, उसको प्रभु के वचन में बपतिस्मा कहा जाता है। ये यूनानी भाषा का शब्द है, हिंदी में हिंदी का शब्द नहीं है। यूनानी भाषा से जब बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया गया तो उस समय उसके लिए उपयुक्त कोई हिंदी शब्द नहीं मिला, इस कारण यूनानी को वैसा का वैसा ले लिया गया और इसलिए हम भी उसी का उपयोग करेंगे, बपतिस्मा। ठीक है, तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा जो व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है उसको प्रभु के शरीर के साथ जोड़ दिया जाता है और आगे हम अनेक नहीं एक हैं, एक ही शरीर के अंग हैं। जब हम प्रभु के शरीर के अंग हो जाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ चीजें बदल जाती हैं। ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। इसके पहले भी ये बात मैंने आपको याद दिलाई थी कि गांव में जब दसवीं में पढ़ता था तब जो लड़का ना तो दांत साफ करता था, ना स्नान करता था, ना बाल बनाता था, ना बाल कटवाता था, ना ढंग से बात करता था, और लोग कहते थे कि अबे सीधे खड़े हो जा, तो वो तो ऐसे ही खड़ा होता था। जब वो मिलिट्री में भर्ती हो जाता है और साल भर की ट्रेनिंग हो जाती है और फिर गांव वापस आता है तो सुबह 5 बजे उठ के या 4 बजे उठ के वो दांत साफ करता है, शेव करता है, अच्छी तरह से कंघे करता है और एकदम से प्रेस किए हुए कपड़े पहनता है। गाँव में जब घूमने घामने निकलता है तो लोगों के सामने ऐसे खड़ा होता है तन के। क्यों? इसलिए कि जाने से पहले वो जो था अब वो नहीं है, वो भर्ती हो गया है। भर्ती हो गया है का मतलब क्या है? अब वो आर्मी के साथ एक देह हो गया है, एक परिवार हो गया, और इसलिए अब उसका व्यवहार वो पुराना व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो अब जिस परिवार का सदस्य है उस परिवार के अनुसार उसका व्यवहार होना चाहिए। और इस कारण आज मैं यहाँ जितने लोग एकत्रित हैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि मुझसे और आपसे प्रभु ये उम्मीद करते हैं कि हमारा व्यवहार, प्रभु ने हमको जो नया जीवन दिया है और नई पहचान दी है उस पहचान के अनुसार हो। आप जानते होंगे कि एक बार आदमी आर्मी में भर्ती हो जाता है तो उसको बाकायदे एक पहचान कार्ड दिया जाता है, चाहे छुट्टी पे हो तो भी उसकी जिम्मेदारी होती है कि घर के बाहर निकले तो पहचान कार्ड उसकी जेब में होना चाहिए। उसको एक नई पहचान दे दी गई है और ये उम्मीद की जाती है कि उस पहचान के अनुसार वो व्यवहार करेगा। उसी तरह से जिन लोगों को प्रभु यीशु में, जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके प्रभु के साथ जो लोग एक शरीर हो गए हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे लोग जिस नए शरीर के अंग हो गए हैं उसके अनुसार व्यवहार करेंगे। आप पूछेंगे किस तरह से व्यवहार करेंगे? मनसा वाच्या कर्मणा, मतलब अपने मन से, अपनी बोली से और अपने कर्मों से अब वो इस तरह से व्यवहार करे कि लोगों को लगे कि बाप रे, ये तो वाकई में प्रभु यीशु की संतान है। मैं आपसे आज शाम को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस दफ्तर में आप काम करते हैं, जिस कारखाने में आप काम करते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जिस गांव में आपकी जिंदगी बीतती है, जहां आप छुट्टियों में वापस जाएंगे, वहां आपकी पहचान क्या है? क्या लोग आपको इज्जत के साथ देखेंगे? जब आप उस गांव में जाएंगे तब आपका मन, आपकी बोली और आपके कर्म बदल गए हैं, इस कारण लोग आपको इज्जत के साथ देखेंगे क्या? देखना जरूरी है, क्योंकि यदि आप वाकई में प्रभु यीशु की संतान है तो आपके जीवन में प्रभु यीशु का स्वभाव दिखना चाहिए। और यदि नहीं दिख रहा है तो सवाल यह है कि क्यों नहीं दिख रहा है।
मैंने ऐसे बहुत सारे भाई देखे हैं जो, मैं अपने स्वयं के गांव की बात बताता हूं, मैं यहां से 130 किलोमीटर दक्षिण एक गांव में पैदा हुआ था और बीच बीच में वहां छुट्टियों में दादा दादी के साथ रहने के लिए जाता था। ये बात मैंने कई बार देखी है, कई बार, कि वहां हमारे घर से एक मैदान से होकर बाजार जाना पड़ता था, तो उस मैदान में सब प्रकार के शहर के गांव के आलतू फालतू लोग बैठे रहते थे। एक कोने में ताश खेल रहे हैं तो एक कोने में जुआ चल रहा है, तो एक कोने में लोग बैठ के स्मोक कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा मैंने खुद देखा है कि जो ताश खेल रहे हैं अचानक वो लोग जान बचा के वहां से भाग रहे हैं, और जो लोग धूम्रपान कर रहे हैं वो सब जो है गड्ढे में डाल दिया और इधर उधर झुक के सारा धुआं इधर उधर छोड़ दिया है, जिससे कि कोई देख नहीं सके कि वो धूम्रपान कर रहे थे। क्या बात है, उस गांव के प्रतिष्ठित, उस गांव के इज्जतदार, उस गांव के दो चार बुजुर्ग दूर से आते हुए नजर आए, और दूर से आते हुए नजर आए तो इनको ये बात समझ में आ गई कि गांव का एक इज्जतदार व्यक्ति आ रहा है, और इसलिए उस व्यक्ति के सामने हम जो कर्म कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। दो कारण, हम जो कर रहे हैं ये गलत है, उस व्यक्ति के सामने नहीं करना है। दूसरी बात, उस व्यक्ति को जो इज्जत देनी है वो इज्जत हम देंगे। बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार, ना केवल अपने गाँव में बल्कि अपने इस शहर में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने। उनको देखते ही दुकानदार स्मोक कर रहा होगा वो उसको छुपा के रख देगा, जोर जोर से बात कर रहा होगा वो बातचीत जो है वो करना बंद कर देगा। इस तरह के बहुत सारे व्यवहार, जेब में हाथ डाल के खड़ा होगा वो जेब से हाथ बाहर निकाल लेता है। क्यों? इसलिए कि जिस व्यक्ति को इज्जत देनी है, जाने अनजाने हम उस व्यक्ति को इज्जत देते हैं। आइए वापस उसी प्रश्न पर मैं आऊं, जिस गांव में आप पैदा हुए हैं, जिस कारखाने में आप काम करते हैं, जिस दफ्तर में आप काम करते हैं, जिस कॉलेज में आप काम करते हैं, वहां लोगों के बीच में आपकी प्रतिष्ठा, आपका नाम किस तरह का है, आपको देख के लोग ये कहते हैं कि भैया वो उसके जीवन में कुछ खास है, मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में आ जाए। प्रभु यीशु की संतान, जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, प्रभु ने उसको एक नया जीवन दिया है, उसको एक नए शरीर का अंग बनाया है, इस कारण उसके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए। क्यों बदलाव आना चाहिए? क्योंकि उसकी पहचान बदल गई है, वो अब एक नए परिवार का अंग है। यह है पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का मतलब। चूंकि हम सब जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, इस कारण एक दूसरे के साथ संगति में आनंद होते हैं, आनंदित होते हैं, एक दूसरे की परेशानी सुनकर दुखी होते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, और आपसी व्यवहार में हम एक दूसरे के साथ भाई बहन के समान एक खरा व्यवहार करते हैं। यह है वो चीज जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं आपको भाई और बहन करके संबोधित करता हूँ, इसलिए संबोधित करता हूँ कि प्रभु यीशु में आप लोग मेरे भाई हैं, प्रभु यीशु में आप लोग मेरी बहनें हैं, इसलिए कि हम सबको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा एक ही शरीर का अंग बना दिया गया है। इसलिए उस एक शरीर के अंग के रूप में कार्य करने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। लेकिन आज इस सभा में यदि इस तरह का कोई भाई है या इस तरह की कोई बहन है जिसने अभी तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, या मुक्तिदाता को ग्रहण करने का अनुभव नहीं हुआ है, तो आज हाथ जोड़कर उस व्यक्ति से मेरी विनती है। आप कहेंगे हाथ क्यों जोड़ रहे? हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि भैया हम आपको महीनों से बताते आ रहे हैं कि आपके भविष्य के बारे में, आपके भविष्य की सुरक्षा के बारे में हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं, आप इसकी उपेक्षा ना करें। और इस कारण बाई चांस यदि किसी ने उपेक्षा कर दी हो
तो उस व्यक्ति से हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है कि आज इस हॉल के बाहर जाने से पहले वे प्रभु के पास जाकर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लें। यदि मैं आपसे बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हूँ इस कारण मुझसे बोलने में यदि आपको दिक्कत होती है तो भाई बाबू कुटी जो मुझसे उम्र में थोड़े छोटे हैं देखने में बहुत ज़्यादा जवान लगते हैं उनसे जाके आप बात कीजिए। उन्होंने अपना जीवन इसलिए अर्पित किया है प्रभु यीशु का शुभ संदेश दूसरों के पास पहुंचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है, उनसे बात कीजिए। वे आपको ये सारी बातें आज विस्तार में हिंदी में समझाएंगे और आपकी अगुवाई करेंगे कि आप प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। लेकिन इसको प्रभु को ग्रहण किए बिना इस हॉल को छोड़कर यहाँ से ना जाएं, ये आपसे मेरा अनुरोध है।